गाइज़ आई एम समीर खान फ्रॉम भोपाल भोपाल रिस्टोरेशन और आपके सामने अभी जो बाइक लेकर आया हूँ ये बनी है कटनी से। नितिन गुप्ता जी हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा गुप्ता जी का नाम। और ये बाइक जो बनी है पूरी की पूरी जनरल रिस्टोर हुई है बाइक, और काम की क्वालिटी आपको सामने नज़र आ रही होगी। बाइक को आप चारों तरफ से देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मर्सिडीज़ अलॉय व्हील और साथ ही साथ प्लेटिंग, उसके बाद ओरिजिनल इंडिकेटर प्लस हेडलाइट, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो RXZ का लेग गार्ड और साथ ही साथ RXZ का इंजन गार्ड। और उसके अलावा आप अगर गौर से देखेंगे गाड़ी में तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्रोम, ऊपर भी क्रोम, मतलब क्लच कवर, मैग्नेट कवर और हेड पे क्रोम है। और अगर गौर से नज़र फैलाएंगे तो यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर सैंड ब्लास्टिंग, ओरिजिनल रबड़ किट, साथ ही साथ गाड़ी के अंदर ओरिजिनल कार्बोरेटर। और ज़रा सा आप इस तरफ नज़र मारेंगे तो बाइक आपको नज़र आएगी पूरी की पूरी। ये देखिए आप साइलेंसर पे पैटी पैक साइलेंसर आपके सामने। और साथ ही साथ थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे, ओरिजिनल जो टायर अपन जेके में कंटिन्यू डालते रहते हैं मर्सिडीज अलॉय व्हील के साथ। और थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे, लाइन लेवल तो देखिए ज़रा आप बाइक का, बिल्कुल ये सेंटर आपके सामने है, पूरा मिला लीजिए आप। और थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो बाइक के अंदर आपको गैब्रियल का सस्पेंशन पैटी पैक नज़र आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए बैक साइड है, अच्छे से देख सकते हैं आप, गैब्रियल ओरिजिनल, ये देखिए नोटिस कर सकते हैं आप, दिख रहा होगा आपको। और उससे थोड़ा सा अलग हटके इस तरफ अपन आएंगे, ये देखिए दिख रहा है ना गैब्रियल लिखा हुआ। साथ ही साथ इस तरफ भी देखेंगे ओरिजिनल सस्पेंशन, और चेन कवर का जो कलर है ना वो ओरिजिनल जो गाड़ी के साथ आता था वही है, पैटी पैक चेन कवर यूज़ हुआ है, कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओरिजिनल ही डाल दिया डायरेक्ट। और थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे साड़ी गार्ड की तरफ तो ये लुक तो देखिए ज़रा कितना कूल नज़र आ रहा होगा आपको इस जगह से। और उसके बाद पूरी गाड़ी में ओरिजिनल सीट, कलर क्वालिटी सामने है आपके, यहीं से देख लीजिए आप, आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नए बेहतरीन लीवर्स, पूरे नट बोल्ट, साइड स्टैंड, मैन स्टैंड, उसके बाद गाड़ी का फ्रंट का सस्पेंशन भी बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा होगा। और यहाँ पे मेड इन जापान एलंकी बोल्ट के साथ बहुत ही गजब का दिख रहा है, TVS का ओरिजिनल बोल्ट भी लगा हुआ है। और यहाँ पे प्री कॉइल का मीटर, ओरिजिनल रीडिंग यहाँ पे दिख रही होगी। बाकी मैं गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो भाई लोग आप सबके सब इंतज़ार कर रहे होंगे इस गाड़ी के स्टार्टिंग परफॉर्मेंस का, तो आपके सामने लेकर आता हूँ मैं गाड़ी का स्टार्टिंग। आप सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करो एक बार फिर से, बहुत जानदार, छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ गाड़ी की स्टार्टिंग पसंद आई होगी, साउंड भी सुन सकते हैं आप। थोड़ा सा गाड़ी में स्मोक नज़र आ रहा होगा, वो भी इस वजह से है कि जब आप किसी भी गाड़ी का इंजन रेडी करते हैं नया, तो उसमें ऑयल पिला के उसे सेट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये गाड़ी यूज़ में आती जाएगी, धीरे धीरे पूरा इंजन का ऑयल निकल जाएगा, उसके बाद इसके अंदर से इतना स्मोक नहीं आएगा, जैसे अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल गायब हो गया है। दूसरी बात ये कि गाड़ी के अंदर सबसे ख़ास चीज़ जो है वो गाड़ी की बॉडी लाइन है। आप यहां से उठता हुआ देखेंगे, यही बात आनी चाहिए, अगर आगे से RX100 डाउन जा रही है तो मतलब चेचिस की लाइन लेवल सही नहीं है, तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें। और साथ ही साथ गाड़ी को आप चारों तरफ से देख लीजिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हर तरफ से गाड़ी पसंद आई होगी। और अगर कोई काम में कमी नज़र आई हो तो भाई लोग आपसे खाली इतना ही कहेगा आपका भाई कि जो भी है आप मुझसे डायरेक्ट मतलब कमेंट सेक्शन में या जैसे भी आप बताना चाहें आप बता सकते हैं। कोशिश करिए बहुत अच्छा काम करने की, और आप लोगों के सामने एक अच्छी गाड़ी लेकर आया हूँ। इसके बाद जो दूसरी गाड़ी चलने वाली है वो है जम्मू कश्मीर से, तो उसका पूरा वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाला है। वीडियो वॉच करने के लिए और इतना सपोर्ट देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गुप्ता जी का भी स्पेशल थैंक यू है जो उन्होंने इतना भरोसा करके यहाँ तक गाड़ी भेजी, अपना काम करने का मौका दिया। और गाड़ी कंप्लीट हो गई है, अब इसको हम डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। आपको जो ट्रांसपोर्टिंग का वीडियो भी जल्दी मिलने वाला है थोड़ी देर में।